डाला यार, चूहों ने खराब रखा कर रखा था अंदर से। करो गाइस, नाम मेरा बाजू में टूट वाला ईयरफोन हो गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी आप सबको रोमियो के पास टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। एंड गाइस पूरा थक रहा हूँ यार, फिर भी ना आज जल्दी जल्दी उठ के आया हूँ। अभी रोमियो के शेड्यूल वगैरह डालते हैं एंड निकलते हैं रोमियो को लेके प्लॉट के अंदर। एंड आज ना मामा लेके आए थे कल दोपहर तक एक रोमियो के राइडिंग के लिए हेलमेट मेरे लिए, एंड जो राइडर होता है ना उसके लिए हेलमेट लेके आए, तो वो भी पहन के दिखाता हूँ आपको। एंड मुँह पे मास्क वगैरह सब कुछ पहन के दूँ, बिकॉज कल गाइस इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना, आपको पता ही है, पूरी दाढ़ी वगैरह एंड पूरे बाल पूरे खराब हो गए थे, धूल उड़ने वाली धूल है। तो आज हेलमेट, तभी गाइस फाइनली यार मस्त रेडी हो चुका हूँ। ये हेलमेट डाला यार, चूहों ने खराब रखा कर रखा था अंदर से, तो मैंने पहले पॉलीथीन डाली है फिर हेलमेट डाला है, पता नहीं कैसा अजीब भी लग रहा हूँ। एंड रोमियो अपना मस्त हो रहा है रेडी, अभी चलते हैं इसको लेके। एंड आज यार राइडिंग वाली पेंट भी डाली है, कल तो राइडिंग वाले पेंट नहीं थे, मैंने सोचा नहीं था यार राइडिंग वाली पेंट अपने पास पड़ी है। एंड हेलमेट मामा लीजिए लेके आ गए थे, अभी गाइस चलते हैं। एंड आपको व्यू तो क्या इन्जॉय कराऊँ, क्योंकि हमें सब क्या इन्जॉय कराऊँ, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा और चलते गाइस जल्दी जल्दी। गाइस आप लोग सोच रहे हो गए यार कि ये बाइक पे कैसे आ गया, यार मासू और ना इतना परेशान करते हैं ना गाइस, पूछो मत यार। बस हॉर्स राइडिंग करा था मैं तो रोमियो को घुमा रहा था, उतने के अंदर उसकी बड़ी मम्मी आई, कहती है कि रोमियो आज रोमियो क्या हिमांशु को छोड़ के आ जाओ स्कूल पे, घर पे कोई नहीं है। तो यार मैं क्या करूँ, घर पे कोई नहीं है, तो यार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं गाइस, तभी तो इनके साथ बोलने का मन नहीं करता यार। मस्त हो रोमियो को चला रहा था एंड अभी तो वो आराम कर लेगा, आराम करने पर फिर वापस से स्टार्टिंग से करना होता है, तो उतना मजा भी नहीं आता यार, वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते यार। वो तो सोच रहे हैं बस कि कुछ नहीं है, घोड़ा चलाना है, ऐसे ही घुमा लेगा ये तो, कभी जब चाहे घुमा लेगा, उनको क्या पता वो साइड कैसे भी होती, पूरा बूंद ऑफ कर देते हैं। तो अभी क्या ही रोमियो को घुमाएंगे, लगभग आधा घंटा घुमाया मैंने, सोचा एक घंटा समथिंग घुमाएंगे ना तो मजा आ जाएगा, बट आधा घंटा घुमाया है तो रोमियो फुल परेशान हो चुका है। तभी गाइस फाइनली यार रोमियो को मस्त नीला धुला के खड़ा कर दिया यहाँ पे, एंड दाना अभी तो खा चुका है अपना, अभी खा रहा है मस्त कचरा। एंड एक चीज़ और की है, ये चेक करो गाइस, हेलमेट था ना अंदर से गंदा और रखा था, तो पूरा ही वॉश कर दिया इसको, अब कल से ना पन्नी नहीं लगानी पड़ेगी, नहीं तो यार हमेशा पन्नी लगानी पड़ेगी, बिकॉज अंदर से ना चूहों ने खराब कर दिया। एंड यार हिमांशु और तो ना बड़ा ही परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा गाइस, अभी कह रहे हैं दूध लेके आ जाओ हमारे लिए, मैं चुपके से बैठा हूँ अंदर, कौन जाएगा गाइस इतनी धूप के अंदर, यार जानना तो पड़ेगा ये तो पक्का है, बट कुछ देर बाद चलता हूँ ऐसा सोच रहा हूँ। रोमियो का सारा काम कंप्लीट कर दिया मैंने, अभी वो अपनी पेंट धो दिया राइडिंग वाली एंड टी शर्ट वगैरह सब कुछ धो दिया है, और रोमियो का सारा काम कंप्लीट कर दिया हमेशा की तरह, अभी करते हैं नाश्ता वगैरह कंप्लीट एंड उसके बाद रोमियो को कचरा और दे देंगे पानी एक बार, सब कुछ कंप्लीट है। एंड आज फाइनली गाइस राइडिंग ना स्टार्ट, कल ही हो गई थी बट आज ना राइडिंग के अंदर मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैंने हेलमेट पहन के की थी एंड हाथ के अंदर स्टिक लेके, अभी रोमियो को ना फुल पावर ना स्टार्ट कर देंगे अपन राइडिंग। तो भी गाइस यार मस्त नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंड रोमियो को ये चेक करो, रोमियो के यार यहाँ पे थोड़ी लग गई थी लगाम से यार, बिट होती है ना इसके मुंह के अंदर जाती है वो, जिससे कंट्रोल होता है उसकी थोड़ी लग गई थी, तो मैंने, मेरे पास ऑयल तो था नहीं, वैसे तो ऑयल लगाया जाता है, बट मेरे पास बोरोलिन थी, तो वो एक ही बात है ऑयल या बोरोलिन, मैंने बोरोलिन लगा दी, उससे यार जल्दी सही होगा। एंड ये चेक करो गाइस कितने ज़्यादा जाले हो रखे हैं यार, तो झाड़ू से यार इनको साफ करना पड़ेगा। एक तो ये देखो एकदम रोमियो के ऊपर तक आ रहा है, ये गिरा ना अगर रोमियो के ऊपर तो रोमियो करेगा चमक जाएगा, एकदम डर जाएगा अचानक से गिरेगा ना, तो झाड़ू लेते हैं। एंड अपना हेलमेट ही सूख गया होगा यार, धूप अच्छी आ रही है एकदम अच्छा, वाह पहले तो हेलमेट सूख गया, क्या ही खतरनाक लग रहा है ना अपना ये हेलमेट गाइस, मामा जी लेके तो अच्छा वाला हेलमेट आए हैं, मजा आ रहा है यार। सबसे पहला पॉइंट तो ये है गाइस कि इससे अपने चोट नहीं लगेगी, बाई चांस अगर रोमियो दिन सुबह में शैतानी करके अपन को गिरा देना तो अपने सर पे चोट नहीं लगेगी। एंड तो गाइस वो धूल बड़ी मट्टी होती है ना बहुत ज्यादा उड़ती है, तो अभी मैं इसको यहीं पे रखूंगा, नहीं तो ना वहां पे वापस से ना चूहे इसको खराब कर देंगे। ये देखो यहाँ से थोड़ा खराब भी कर दिया यार,
चूहे का कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ भी कर सकते हैं वो। एंड ये ऊपर का सामान सारा का सारा खत्म, डैमेज्ड है ऐसा समझ, सारा डैमेज्ड है, थोड़ा 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 सब कुछ डैमेज कर दिया। रोमियो को शेडल वगैरह सिर्फ, यार ये तो अच्छा है कि शेडल नहीं बाइट करें, शेडल उनको पता नहीं स्वाद नहीं लगती या टेस्ट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, बट शेडल को कुछ नहीं कर रहे। तो रोमियो को यह तो एक शेप है शेडल तो, बट अभी यार रोमियो को करानी पड़ेगी कटिंग, बिकॉज बाल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, अभी हाथ लगाओ तो बाल ही बाल हो जाते हैं। ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, अभी देखो रोमियो ये चेक करो गाइस, ये देखो कितने ज़्यादा बाल आ रहे हैं ना, इसकी अभी कटिंग करानी बहुत ज़रूरी है। मामा जी कह रहे हैं मशीन न्यू ही लेके आते हैं, क्योंकि रोमियो को आगे भी कटिंग करनी होती है ना, तो हमेशा लाइफ टाइम काम आएगी रोमियो के। रोमियो नहीं लेके आ जाए या पुरानी, एक बार ऐसे ही किसी को बुला के करो आपकी है रोमियो। तो गाइस शैतानी तो नहीं कर रहा दिन के अंदर, अभी 2 दिन हो गया ना, रोज को पसीना निकाल लेता हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा शैतानी नहीं कर पा रहा अभी, नहीं तो आप जानते हो गए अंदर जाते ही बाइट करना वो करना, अब अच्छा लग रहा है। एंड ये पैर, ये गाइस ये पैर चेक करो, ये पीले पीले पैर हो रहे हैं ना, ये एक बार अगर रोमियो का ना कटिंग हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये पैर भी वाइट हो जाएंगे, बिकॉज पैर के बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी आपको चेक कराता हूँ, ये चेक करो गाइस, ये देखो कितने ज़्यादा कितने घने बाल है ना, तो इसकी वजह से वो पीले पीले हो गए आगे से। तो फिर एक बार अगर साफ हो जाए ना गाइस, उसके बाद वापस मैं पीला होने ही नहीं दूंगा, रोज मिलाऊंगा ना तो वापस पीले लेंगे, फिर क्या चमकेगा ना रोमियो। एंड रोमियो की अभी रेड वाली फट्टी भी मामा जी नहीं लेके आए हैं, जो पैरों के यहाँ तक बांधते हैं, जिससे क्या होता है आगे वाले पैर से पीछे वाले पैर टकरता नहीं है, एंड रोमियो सेफली दौड़ पाता है, अपना बेस्ट दे पाता है गाइस। तो भी पहले तो ये जाले वगैरह हटाता हूँ मैं, एंड उसके बाद आज कूलर को भी चेक करते हैं यार, अभी 3 दिन हो गए, आज करता हूँ आज करता हूँ आज करता हूँ, बट अभी मैं फाइनली ये सोच रहा हूँ कि आज ही करते हैं गाइस। तो पहले जाला वगैरह क्लीन करते हैं। तो भी गाइस यार मस्त खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे कुछ देर तो अभी सोया हुआ था, अभी उठा हूँ और मेरे भाई का कॉल आया था कि वो कह रहा है कल मेरे सिस्टर का कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम है, तो उसको लेके आ रहा है मेरी सिस्टर को मेरा भाई, तो देखते हैं कब तक आता है। अभी कॉल आया था, वो कह रहा है लगभग 5 बजे समथिंग वहाँ से निकलेगा, तो उसके बाद 1-1.5 घंटा लगेगा वो यहाँ पे आएगा। एंड ये चेक करो, ये खड़ा अपना रोमियो मस्त यहाँ पे रोमियो। तो गाइस इसके दांत देखो, ये देखो दांत आगे वाले दांत है ना, बड़े खतरनाक होते हैं, इससे बैठ कर लेता ना कोई छुड़ा नहीं सकता फिर। एंड वहाँ पे ना जाले वगैरह तो मैंने उस टाइम साफ़ कर दिए थे, इतनी देर उसके अंदर लगा हुआ था, एंड उसके बाद सो गया था, जाले वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया, कूलर तो नहीं किया, कूलर का यार मन भी नहीं कर रहा है, और वैसे गर्मी तो हो रही है यार, गर्मी तो ऐसा नहीं कह सकता कि गर्मी नहीं हो रही, इसलिए नहीं कर रहा, गर्मी तो हो रही है, बट थोड़ा यार मन ही नहीं कर रहा है कूलर का काम करने का, वो देखते हैं कब तक करते हैं। एंड मेरा भाई आ जाता है ना, तो आप लोगों को उसके मिलाता हूँ, एंड आज ब्लॉग उसके साथ ही शूट करूँगा, वापस से कंटिन्यू करूँगा। अभी रोमियो कचरा वगैरह दिया है, एंड आज कल गाइस एक सबसे बड़ी बात यार, भगवान सॉरी गौ माता, ये देखो इसके अंदर पानी पीता है, पीने आते हैं गौ माता, एंड सभी यार पशु होते हैं ना गाइस, दिन के अंदर 3 बार भरना पड़ता है, 3 बार एक दिन के अंदर 3 बार, क्योंकि छोटी है ना, तो 2 या 3 गाय ही पी पाती है, और वैसे भी अभी गर्मी आ गया तो जल्दी जल्दी खाली होगा, तो आज से ना इस टंकी को भी फुल रखेंगे, एंड इस बाल्टी को भी फुल रखता हूँ, जो भी खाली हो बाल्टी लेके गया एंड उसके अंदर डाला, मस्त पीती है फिर गौ माता। तो अभी गाइस कुछ देर वेट करते हैं, मेरा भाई आ जाते हैं, तो आपको लोगों से मिलाता हूँ। तो अभी गाइस फाइनली यार मैंने आपको कहा था मेरा भाई आ चुका है, ये चेक करो गाइस, ये रहा मेरा भाई, अभी रोमियो के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, कभी खेल रहा है, और अभी मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अभी चलते हैं सीधा उस घर पे। एंड मेरी बहन भी आई थी, मेरी बहन तो मामा जी के साथ गई, मामा जी आज उस घर पे गए कुछ काम पता नहीं क्या, बट वो तो उस घर पे गया, तो मामा जी के साथ मेरी बहन तो गई, बट मेरा भाई हो एंड मैं दोनों साथ में जाएंगे गाइस, ये चेक करो, ये तो बाहर रोमियो के साथ बातें कर रहा है, कल सुबह मेरे साथ आए गए जल्दी, योगता दीदी को नाना जी लेके जाएंगे ना, योगता दीदी को, तो तू मेरे साथ आएगा। तो भी गाइस निकलते हैं जल्दी फटाफट, एंड मिलते हैं वहीं पे कार्तिक कुंज, कार्तिक एंड कुंज के पास, वो भी फुल हैप्पी हो जाएंगे, रोमियो बाय। तभी गाइस फाइनली बस पहुंचे थे घर पे, मैं एंड मेरा भाई और नाना जी यहाँ पे खा रहे हैं मस्त मूंगफली, एंड अभी ना बाहर कूद और डांस करें, आपको चलता हूँ और डांस का व्यू एंजॉय कराता हूँ। नानी जी मस्त यहाँ पे सोए हुए हैं, सोम्या भी आई हुई है, अभी आई थी, एंड ये हमारी सिस्टर
अभी गाइस चलते हैं बाहर एंड आपका ना व्यूज वगैरह तुम रो कुंज और डांस कर रहे हैं बाहर। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम न आए 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 हम न आए, ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए। इतने तो मस्त बार यार डांस कर रहे थे कुंज और कार्तिक ने, क्या ही मजे लिए ने कार्तिक ने कुंज के तो। एंड अभी देखो अंदर आ चुके हैं मस्त फोन वगैरह देख रहे हैं कार्तिक और मेरा भाई, तो मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट के अंदर सीधा रखता हूँ ना, खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एंड आज मेरा भाई ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लेके आया तो उससे लगा के ना एडिट करूँगा, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसके साथ। एंड आई होप आप लोग ब्लॉग वीडियो आज का बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अच्छा लगे वीडियो को लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।